पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात पर आरएसएस चीफ का एक बड़ा बयान सामने आया है और वो बयान क्या है ये अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक मीटिंग में घर वापसी कार्यक्रम पर बोले थे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, आरएसएस का अभियान नहीं होता तो 30% समुदाय देश से कट गया होता। मैं घर वापसी कार्यक्रम पर पूरी तैयारी के साथ गया था, सभी सवालों के जवाब लेकर गया था, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये किसने कहा है? ये कहा है आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने। संघ के कार्यक्रम के लिए 2018 में पूर्व राष्ट्रपति को इनवाइट करने गए थे मोहन भागवत, और अब उस मुलाकात का जिक्र करते हुए आरएसएस चीफ ने यह बड़ी बात कही है। एक अखबार के सम्मेलन में भागवत ने दी मीटिंग में हुई बातचीत की जानकारी, और वो जानकारी क्या थी ये आप जान लीजिए। मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि घर वापसी कार्यक्रम को लेकर मैं तमाम जवाबों के साथ गया था, लेकिन वो जवाब प्रणब दा के सामने रखने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रणब दा ने यह कहा कि आरएसएस का अभियान नहीं होता तो 30% समुदाय देश से कट गया होता। एक तरह से घर वापसी कार्यक्रम का सपोर्ट करते हुए नजर आए थे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, ऐसा आरएसएस चीफ मोहन भागवत का दावा है। और इसके अलावा एक और बड़ी बात कही है आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने। धर्म संसद में विवादित बयानों पर भी मोहन भागवत ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि धर्म संसद में कही गई बातें हिंदुत्व के अनुसार नहीं थी। आरएसएस का विश्वास लोगों को बांटने में नहीं है। कभी कोई बात गुस्से में कही जाए तो वो हिंदुत्व नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व जोड़ने का नाम है, तोड़ने का नहीं। ये बातें कही गई हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से। हाल ही में कई जगहों पर हुई धर्म संसद में संतों के विवादित बोल सामने आए थे, बहुत सारे आपत्तिजनक बयान दिए गए थे। उन बयानों से किनारा कशी अख्तियार करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि ये बयान हिंदुत्व के दायरे में नहीं आते, गलत ठहरा रहे हैं। धर्म संसद पर मोहन भागवत के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं ये देखिए। अगर पहले लोगों को समझाते तो ऐसी चीजें हर जगह होती ही नहीं। पहले मारते हैं फिर कहते हैं हमने कुछ नहीं कहा, लोग कर रहे हैं। जिन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं पहले उन्हें देश के बारे में समझाएं, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। यानी धर्म संसद में जो कुछ हुआ उसकी आलोचना करते हुए मोहन भागवत ने अपना पक्ष रखा, और अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर कांग्रेस पार्टी ने यह कहते हुए हमला कर दिया है कि पहले जिन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं उन्हें देश के बारे में बताइए कि यह देश आखिर है क्या। ये पहले अगर करते हैं, उनको लोगों को कहते समझाते तो ऐसी चीजें हर जगह नहीं होती थी। तो पहले तो मारने लगाते हैं, पहले पिछाड़ने लगाते हैं, फिर बाद में ये कहते हैं कि नहीं हमने कुछ नहीं कहा, कि वो खुद ही लोग ऐसे कर रहे हैं। तो ये क्या है, जिन लोगों को आप ट्रेनिंग दे रहे हो उनको पहले तो देश के बारे में समझाइए और मिल के रहने की सोच क्या होना वो समझाइए, और देश का संविधान क्या कहता है उसको देखिए, उसके बाद में आप कह सकते हैं कि हमारे कहने के बावजूद भी आप लोग कर रहे हैं, इसीलिए हम आपसे दूर हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।